अच्छा, ये हमारे पास बच्ची आई है, एक इस बीमारी को हम कहते हैं टीलोजिन। टीलोजिन बाल झड़ की एक इस तरह की टाइप है जिसमें के कोई ना कोई ऐसी बीमारी जिस्म के अंदर होती है, चाहे वो डेंगू है या कोरोना है या टाइफॉइड या मलेरिया या टीबी या इससे मिलती जुलती कोई बीमारियाँ, अगर वो इंसान के जिस्म में 2 या 3 हफ्ते तक रहती हैं या इससे कम भी अगर रहती हैं, तो फिर वो बहुत एग्रेसिव हेयर लॉस करती हैं बहुत ज्यादा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बच्ची के बाल हैं, ये एक दिन के आपने बताया एक ना? एक दिन में एक दफा कॉम किया या 2 दफा? ये 2 दफा, एक दफा जब स्कूल गई थी, हाँ हाँ, तो एक दफा जब आके नहाई है तो फिर सही। तो ये दिन में 2 दफा कॉम करने से ये इतने सारे बाल गिरे हैं, और अगर आप इधर देखो तो ये तकरीबन जो है ना बच्ची गंजपन तक पहुंच गई है, स्कैल्प नजर आनी शुरू हो गई है। अगर हम इस प्रॉब्लम को अभी नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि 1.5 मंथ तक बहुत ज्यादा एग्रेसिव हेयर लॉस हो चुका होगा। वैसे भी बच्ची थोड़ी सी आपकी कमजोर है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो बालों की ग्रोथ हो भी नहीं पा रही ना, ठीक है। अब हम कुछ आपको टेस्ट लिख ही देंगे, टेस्ट कराएं, ट्रीटमेंट शुरू करें, और फिर आपने 1 मंथ के बाद दिखाना है। इस तरह आपको 1 मंथ के बाद आना पड़ेगा। टीलोजिन की जो बीमारी है उसको हमें कुछ और बीमारियों से अलग करना पड़ता है, उसमें भी कुछ खास ऐसी बीमारियां हैं जैसे थायराइड का मसला है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, या एलोपेशिया एरियाटा जिसको बालचर कहते हैं, उन सारी बीमारियों को अलग करना पड़ता है क्योंकि उनमें भी इस तरह के बाल गिर सकते हैं। तो ये मुआयने से ही पता चलेगा कि बच्ची को टीलोजिन की बीमारी है या दूसरी किस्म की बीमारियों की वजह से बाल गिर रहे हैं, क्योंकि हर चीज का इलाज डिफरेंट है। तो जो बीमारी हमें फिर तशखीस होती है, जिस बीमारी का डायग्नोसिस बनाते हैं, उस बीमारी का फिर ट्रीटमेंट करते हैं।